Hello everyone, this is Rangoli and welcome back to my channel Rangoli Vlogs. तो जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, अगर यूँ अपने घर यहाँ है हमारे घर की पूजा. आप लोगों को पता होगा कि कुल देवता की पूजा होती है हमारे यहाँ सावन में. सावनी पूजा होती है जो लोग बिहार झारखंड के हैं और कहीं के भी हैं, सबके घर में कुल देवता की पूजा होती है. तो हमारे घर भी कुल देवता की पूजा है परसों, मीन्स वेंसडे को, और आज है 21st, और आज है मंडे, और आज है हमारे यहाँ नागपंचमी. तो आज होगी नागपंचमी की पूजा और तब होगी 23rd वेंसडे को होगी हमारे घर सावनी पूजा, मतलब कुल देवता की पूजा. तो हम लोग यहीं पे घर पे आए कुल देवता की पूजा में, और आज है नागपंचमी और मैं हो गई हूँ तैयार, और अब चलेंगे नीचे और करेंगे नागपंचमी की पूजा. और यहाँ मैं ले ली हूँ गोबर, और इस गोबर को अच्छे से ऐसे लेपा जाता है गोबर से ऐसे गोल बनाकर, और फिर इससे पूरा घर हमारा प्रोटेक्ट होता है, मतलब पूरे घर को घेरा जाता है नाग गोबर से ही घेरा जाता है. और यहाँ मैं बना रही हूँ नाग नागिन और नागिन का बच्चा, मतलब पहले नाग बनते हैं, लास्ट में नागिन और बीच में उनका बच्चा रहता है. तो मैं वही बना रही थी एक साइड, और उसके बाद फिर पूरे घर को घेरा जाता है गोबर से. तो मैं वही अब स्टार्ट की हूँ घेरना, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचेगा मैं वहाँ तक घेरूँगी. आगे फिर ये और पापा मिलके पूरे घर को घेर रहे थे. और उसके बाद ये स्टार्ट हो गया घर को घेरना, मेरा हाथ वहीं तक पहुंचा. उसके बाद मेरा हाथ तो पहुंच नहीं रहा था, और उसके बाद इन्होंने कमान संभाल लिया घर को घेरने का. तो ये स्टार्ट हो गया घर को घेरना. तो नागपंचमी की पूजा में स्पेशली पूरे घर को घेरा जाता है. पूरे घर को इसलिए घेरा जाता है ताकि पूरे घर की रक्षा हो सके, पूरे पूरा घर प्रोटेक्ट हो सके, कोई भी निगेटिव शक्ति या बुरी शक्ति घर में प्रवेश ना करे, किसी भी तरह घर को आँच ना आए किसी भी बुरी शक्ति से. तो इसलिए घर को घेरा जाता है, और यहाँ पे नाग देवता लोग हमारी घर की रक्षा करते हैं, और इसलिए हम करते हैं नागपंचमी की पूजा और घेरते हैं पूरे घर को. और यहाँ मैंने नाग नागिन और नाग का बच्चा सब कुछ बना दिया है, सिंदूर और रोली भी लगा दी. अब यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ फूल. तो फूल चढ़ाने के बाद हमने यहाँ दिया दिखाया, मैं और मम्मी यहाँ पे दिया और अगरबत्ती दिखा रहे थे, और हम लोग ने अच्छे से पूजा कर ली नागपंचमी की. और उसके बाद यहाँ पे दूध चढ़ाए हम लोग. दूध चढ़ाने के बाद हम लोग लावा चढ़ाए, और इस तरह हमने नागपंचमी की पूजा कर ली अच्छे से. और उसके बाद सब लोग यहाँ पर आएंगे एक एक करके प्रणाम करने. घर की रक्षा करें, ये रक्षा करते हैं घर की, इसलिए घर के बाहर बनाए गए हैं. कोई पाप आत्मा घर में प्रवेश ना करे उसके लिए घर को ये किया गया है. करो माँ जाओ.
ठीक से दिया है उसको, ठीक से लगेगा, करो सांप की सांप का बच्चा तो इधर भी है, सांप इधर उधर पे, सांप सांप की कन्या सांप का बच्चा और ये कट्टा वॉटरफॉल है, गदर मूवी देखने आए दादी के साथ, दादी बाबा हम लोग देख चुके हैं मूवी गदर टू। तो ये है नेक्स्ट डे का, हम लोग नेक्स्ट डे शाम में आए थे मूवी देखने, इनफैक्ट दिन में ही आए थे मूवी देखने, और मैं यहाँ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हम लोग हाफ एन आवर लेट हो गए थे मूवी में, बट फिर भी ज़्यादा कुछ छूटा नहीं था क्योंकि लास्ट गदर वन का दिखा रहे थे वो, तो ज़्यादा कुछ छूटा तो नहीं, बट लास्ट में मैंने सोचा चलो आए तो थोड़ा सा तो रिकॉर्ड करना बनता है, तो हमने मूवी तब देख लिया था। और यहाँ पे ऊपर से ही बच्चों को दिख गया था ट्रेन, और ये ऊपर से ही जिद कर रहे थे कि इस ट्रेन में जाना है। और हाँ मैं बता दूँ, ये मुजफ्फरपुर का नया मॉल है PNM मॉल, जो कि कुछ दिन पहले ही खुला है, बट हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे, तो यहाँ पे इन्हें दिख गया था ये ट्रेन। अब ये बहुत एक्साइटेड थे कि हमें इस ट्रेन पे जाना है, और ये दोनों बहुत खुश भी थे इस ट्रेन पे चढ़ के। और ये देखिए, ये चढ़ गए चुलबुल, और ये दोनों बहुत ही खुश थे, चुलबुल चुलचुल बहुत खुश थे इस ट्रेन पे चढ़ के। और उसके बाद इस ट्रेन पे चढ़ेंगे इनके दादी बाबा भी, और उसके बाद ट्रेन होगी स्टार्ट। और ये मॉल काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत मॉल है, हालांकि यहाँ पे सारे शॉप्स तो ओपन अभी तक हुए नहीं हैं, बट स्टिल यहाँ ये बहुत ही सुंदर मॉल लग रहा था, और ये काफ़ी स्पेशियस लग रहा था। हाँ यहाँ पे सारे शॉप्स नहीं खुले शायद इसलिए लग रहा, और यहाँ हो गई ट्रेन स्टार्ट। और यहाँ पे इन लोग की राइड कंप्लीट हो गई, ये लोग को बहुत मज़ा आ रहा था, और चुलचुल को आना नहीं था, चुलचुल को अभी और इस पे जाना था और ट्रेन पे चढ़ना था, वो वहाँ से बहुत मुश्किल से कार तक आए हैं, वो आ ही नहीं रहा था। और ये मॉल में ये जो भी है इंडिपेंडेंस डे का डेकोरेशन किया हुआ है, हम लोग इंडिपेंडेंस डे के बाद गए थे तो ये इंडिपेंडेंस डे का डेकोरेशन किया हुआ है। और बाहर हो रही थी बहुत ही तेज बारिश, और बाहर भी कुछ प्लेइंग जोन था जहाँ पे नहीं जा पाए क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा।
सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय.